हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो आज चलिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को आगे बढ़ाया जाए। पिछले क्लास में आप लोगों को याद होगा हम पढ़े थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नष्ट इक्वेशन से, और उसी से रिलेटेड छोटा सा टॉपिक गिब्स एनर्जी। ठीक, चैप्टर को चलिए आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। क्या होगा टॉपिक हमारा? कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस। हम जान रहे हैं कि जो भी सेल होता है, सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसमें क्या लेते हैं भाई सॉल्यूशन के रूप में? कोई सॉल्ट सॉल्यूशन लेते हैं या एसिड बेस का सॉल्यूशन लेते हैं, जिसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, और जब ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल जब दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होता है थ्रू द सॉल्ट ब्रिज, और दोनों का इलेक्ट्रोड जब आपस में कंडक्ट होता है कनेक्टिंग वायर से जब कनेक्ट होता है, तो फिर ये जो है सो ये जो सेल है, ये सेल पोटेंशियल जनरेट करता है, विद्युत इलेक्ट्रिक एनर्जी पैदा करता है। और कैसे पैदा करता है भाई? ये जो इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में जो हम लोग सॉल्ट सॉल्यूशन ली है, तो कोई भी अगर सॉल्ट लेते हैं, जैसे मान लीजिए NaCl लेते हैं, तो NaCl का सॉल्यूशन लेते हैं, तो उसमें क्या रहेगा? ये आयंस के रूप में रहेगा, ये सोडियम आयन, क्लोराइड आयन। डैनियल सेल में देखा था हमने जिंक आयन था हुआ करता था, सल्फेट आयन, फिर इसमें कॉपर आयन, सल्फेट आयन हुआ करता था। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो सॉल्ट सॉल्यूशन होता है, एसिड का सॉल्यूशन होता है, बेस का सॉल्यूशन होता है, जिसमें कि आयंस प्रेजेंट है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है? कंडक्ट करता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है? तो मेनली दो चीज़ पर निर्भर करता है ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। डिपेंड्स अपॉन पहला पॉइंट है नंबर ऑफ आयंस। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में अगर आयंस, चूंकि कंडक्टेंस किसके द्वारा होगा? आयंस के द्वारा होगा, तो नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होगा तो कंडक्टेंस ज़्यादा होगा। दूसरा होगा किस पे? मोबिलिटी पर। दूसरा क्या होगा? मोबिलिटी यानी मूवमेंट ऑफ आयंस पे, मोबिलिटी ऑफ आयंस। ठीक, अब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस जो होता है वो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस है। जितना आयंस का मोबिलिटी होगा, मूवमेंट होगा, कंडक्टेंस उतना ही बेहतर होगा। ठीक, तो पहला नंबर ऑफ आयंस, दूसरा मोबिलिटी ऑफ आयंस, ये हो गया। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कंडक्टेंस क्या है भाई, कंडक्टेंस है क्या। ठीक, कंडक्टेंस क्या है भाई, वो तो जानते ही हैं, है ना? द प्रॉपर्टी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंडक्टेंस, है ना? तो कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग सी से। तो सी इक्वल टू क्या होगा? कंडक्टेंस इक्वल टू क्या होता है? कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि सी इक्वल टू क्या होगा? 1/R, जहाँ R क्या है भाई? जहाँ वेयर R क्या है भाई? R है रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। ठीक, और प्रतिरोध का यूनिट क्या होता है? यूनिट ऑफ R क्या होता है भाई? यूनिट ऑफ R रेजिस्टेंस। हम जानते हैं कि इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो ओम होता है। ठीक, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम, है ना? ओम को हम लोग कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो चलिए कंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा? देयरफॉर यूनिट ऑफ कंडक्टेंस क्या होगा? यूनिट ऑफ सी, कंडक्टेंस सी, तो 1/ ओम। ठीक, 1/ ओम, अगर ओम ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? पर ओम। कंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा? पर ओम। ठीक, पर ओम को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, महो लिख सकते हैं। क्या लिख दें हम लोग? उल्टा कर दें। ठीक, महो भी कह सकते हैं, या इसको कुछ और इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको
साइमेन बोलते हैं। पर ओम को बराबर क्या लिखते हैं हम लोग? साइमेन, या शॉर्ट में क्या लिखते हैं? एस लिखते हैं। तो जो बोलिए, कंडक्टेंस का यूनिट क्या हो गया? पर ओम, या महो, या साइमेन, या एस। ठीक है, कंडक्टेंस हो गया। अच्छा, अब हम देखते हैं कंडक्टेंस क्या होता है। कंडक्टेंस रेसिप्रोकल का, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। तो देखते हैं रेजिस्टेंस किन चीज़ों पर निर्भर करता है। तो हम लोग ये तो जानते हैं भाई कि जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस किन चीज़ों पर निर्भर करता है। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड रेसिप्रोकल ऑफ द इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। यही होता है, ठीक है। जहाँ L क्या है भाई? L है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये सेल का लेंथ, ये वाला, ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं, जिस कंटेनर में, इसका ये हो गया लेंथ, लेंथ ऑफ कंडक्टर, जिसमें कंडक्टिंग सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट रखा हुआ है, उसका लेंथ। ठीक, तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर। कोई तार है, उसका कोई तार है तो उसका मेटालिक कंडक्टेंस केस में, कोई तार है तो उसका तार का लेंथ होगा, है ना, एल। एरिया क्या है भाई? ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक, अब ये जो कंडक्टर लिए हैं, जिस कंटेनर में लिए हैं, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जैसे ये है, जैसे मेटालिक कंडक्टेंस में कोई तार है तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? कंडक्टर के लेंथ के। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर के। ये हो गया। अब हम प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, तो कोई ना कोई प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट आएगा। तो कौन सा कॉन्स्टेंट आएगा यहाँ पे? तो आर इक्वल टू आएगा, यहाँ पे एक रो आता है, इसको पढ़ेंगे रो इंटू एल बाई ए। ठीक, आर इक्वल टू रो इंटू एल बाय, हमने प्रोपोर्शनल साइन हटाया तो एक प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट लगाया, इसको बोलेंगे, जहाँ पे प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट क्या है? रो है मेरा, जहाँ पे रो, ऐसे क्या पढ़ेंगे इसको? आर एच ओ पढ़िए, रो, जिसको यहाँ पे रो को क्या कहेंगे भाई हम लोग? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यहाँ पे क्या कहेंगे? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कह सकते हैं, ठीक, या रेसिस्टिविटी भी कह सकते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी कहिए। ठीक, चलिए, यह हो गया। हाँ, यहाँ से हम रो का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो रो बराबर, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? रो इक्वल टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रो इक्वल टू होगा, इसको रो को यहाँ रखेंगे तो आर इंटू ए बाई एल होगा, आर इंटू ए बाई एल। एक इस फॉर्मूला को भी हम रख लेते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी रो का, ठीक है। तो अगर हम रो का यूनिट निकालें, यूनिट ऑफ रो, तो क्या होगा भाई? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है आर, रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस का क्या हो गया भाई? रेजिस्टेंस का ओम हो गया। ए, एरिया, एरिया का अगर सेंटीमीटर लेते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ क्या हो गया? सेंटीमीटर लेंगे इसका लेंथ, ठीक। तो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर कट गया, तो रो का जो यूनिट आया ये आ गया ओम पर सेंटीमीटर। क्या आ गया? ओम पर सेंटीमीटर, ठीक। अच्छा, चलिए, अगला जो छोटा सा टॉपिक हम देखते हैं वो देखेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, ठीक है। चलिए, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग कप्पा से। अच्छा, जितना भी मेरे पास फॉर्मूला आते जा रहा है, हम उसको एक साथ रखते जा रहे हैं। तो कंडक्टेंस का फॉर्मूला मेरे पास क्या था? 1/r था। दूसरा आया था किसका भाई? रो का आया था, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का आया था, वो क्या आया है? आर इंटू ए बाई एल आया है, ठीक। चलिए, एक साथ हम रखते जाते हैं सबको। अब आता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे कप्पा से। क्या बोलेंगे भाई? कप्पा, कौन सा लेटर कहेंगे इसको? कप्पा। अच्छा, कंडक्टेंस
कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगा? स्पेसिफिक कंडक्टेंस विल बी रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी रो. ठीक, तो कप्पा बराबर क्या होगा? कप्पा विल बी रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी रो. ठीक, अब रो का वैल्यू डालते हैं. तो जब रो का वैल्यू डालेंगे कप्पा बराबर, तो वन बाई रो हमारे पास है आर इंटू ए बाई एल. ठीक, तो आ ए बाई एल है. तो फिर यहाँ देखिए कप्पा इक्वल टू क्या होगा, वन बाई आर को यहाँ अलग रख लेते हैं, इंटू एल जो है सो पलटेगा, एल पलटेगा तो एल बाई ए होगा. ठीक, इसको और लिखते हैं, कप्पा इक्वल टू वन बाई आर के बराबर क्या लिख सकते हैं? वन बाई आर के बराबर सी लिख सकते हैं, कंडक्टेंस, यानी कि सी इंटू एल बाई ए, ये हो गया. ठीक, अच्छा, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस इक्वल टू क्या हो गया भाई? ये हो गया. ठीक, चलिए, तो अच्छा एक चीज़ और देखें जरा. अगर हम यहाँ पे अब जरा देखिए, कप्पा इक्वल टू सी क्या है? कंडक्टेंस. सी क्या है भाई? कंडक्टेंस है, मल्टीप्लाइड बाई एल बाई ए. एल बाई ए को बोलेंगे सेल कांस्टेंट. एल बाई ए को क्या बोलेंगे? सेल कांस्टेंट. ठीक है ना? हाँ, तो सेल कांस्टेंट, तो सेल कांस्टेंट. अच्छा, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? तो आपके बुक एनसीईआरटी बुक में आपको जी स्टार से रिप्रेजेंट करता है, कुछ इस तरह से. तो सेल कांस्टेंट तीसरा फॉर्मूला जी स्टार इक्वल टू हो गया एल बाई ए. चूँकि ये दोनों एल और ए, लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, दोनों किसका है? सेल का है. ये तो दोनों चीज़ कांस्टेंट होगा जिस डायमेंशन का हम सेल लेंगे. तो एल बाई ए का जो रेशियो होगा वो कहलाएगा सेल का कांस्टेंट, इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट. ठीक है, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या कहलाएगा? स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाएगा कंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाई सेल कांस्टेंट. सेल कांस्टेंट को उसके कंडक्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो निकलेगा सेल कांस्टेंट. ठीक है, ये चीज़ है. अच्छा, यदि अगर हम L को लेते हैं 1 सेंटीमीटर, A को लेते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लेते हैं मान लीजिए, तो कप्पा का वैल्यू क्या होगा? तो कप्पा बराबर क्या हो जाएगा? कप्पा बराबर हो जाएगा C. अब यहाँ से मेरा स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिफाइन हो जाएगा. यहाँ पे हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस को डिफाइन कर देंगे. क्या डिफाइन करेंगे भाई? है ना, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस कैसे डिफाइन होगा? द कंडक्टेंस ऑफ अ सेल, द कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ना, हैविंग लेंथ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो इस डायमेंशन वाले सेल का जो कंडक्टेंस होगा वो कहलाएगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस. ठीक है, यानी एक ऐसा सेल जिसका लेंथ जो है सो कितना है, जिसका लेंथ जो है सो कितना है भाई, 1 सेंटीमीटर होगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा, कितना होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये. ठीक, तो वो जो, अच्छा, तो L इंटू ए, अगर L ये क्या है भाई, L 1 है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो अब ये क्यूब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इसका जो ये सारा कितना होगा भाई, 1 होगा. ये कितना है? 1 होगा. अच्छा, यानी कि अब इसका, इस डायमेंशन का कोई सेल का जो कंडक्टेंस होगा वो कहलाएगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस. अच्छा, ये जो डायमेंशन है, इस डायमेंशन का जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम कितना आ जाएगा भाई, ये तो क्यूब हो गया. तो क्यूब बराबर क्या होगा भाई, जब जो है सो मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा लेंथ इन लंबाई गुना ऊंचाई आ गुना चौड़ाई, तीनों का तीनों कितना है, एक है. तो इसका जो वॉल्यूम आएगा वो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा वॉल्यूम, 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा. ठीक है, 1 गुना 1 लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब, नहीं ना. अच्छा, इसका मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब डायमेंशन वाले
सेल का जो कंडक्टेंस होगा वो कहलाएगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस। लिख दे एक लाइन में, तो एक लाइन में इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, दे ऐसे लिख दें स्पेसिफिक कंडक्टेंस में भी डिफाइंड एज द, है ना, कंडक्टेंस ऑफ वन सीसी यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, कंडक्टेंस ऑफ वन सीसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक, यही है कप्पा। तो कप्पा क्या है भाई, 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस होगा वही होगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा। ठीक है, ये सारा चीज़ क्लियर हुआ। तो चलिए भाई, तो चौथा जो फॉर्मूला यहाँ पे आ गया हमारे पास वो कप्पा का आया। तो कप्पा बराबर क्या आया, ये वाला जो मेरा मेन फॉर्मूला ये वाला होगा, तो कप्पा बराबर क्या हुआ मेरे पास, कंडक्टेंस इनटू सेल बाय कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट, ये हो गया फॉर्मूला। ठीक, चलिए अब कप्पा का यूनिट देखते हैं, यूनिट ऑफ कप्पा। ठीक, तो कप्पा बराबर होता क्या है भाई, कप्पा बराबर होता है सी इंटू एल बाई ए। कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है भाई, कंडक्टेंस का यूनिट होता है पर ओम, यानी कहिए सीमेन कहिए, है ना, और इंटू ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये सेंटीमीटर कट गया, तो क्या बचा यूनिट कप्पा का, एस पर सेंटीमीटर। क्या निकल गया भाई, एस पर सेंटीमीटर कप्पा का यूनिट हो गया। यूनिट हमारा ज़रूरी चीज़ है, तो यूनिट को जो है सो याद रखिएगा। ठीक, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिव रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा एम, मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी, है ना, कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो गया मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज नोन एज मोलर कंडक्टिविटी रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा एम। ठीक, लैम्डा एम का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, लैम्डा एम का फॉर्मूला होता है कप्पा बट्टा सी, जहाँ लैम्डा एम क्या है, लैम्डा एम है मोलर कंडक्टिविटी। ठीक, दूसरा कप्पा तो जान ही रहे हैं, सी क्या है, सी है कॉन्सेंट्रेशन, सी क्या है भाई, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, किसमें, मोलैरिटी में, किस में लेंगे भाई, मोलैरिटी में। ठीक, ये हो गया। अब तो इस फॉर्मूला को भी हम लोग साथ में रख लें, लैम्डा एम इक्वल टू के बाई सी, लेकिन अब हम थोड़ा सा देखेंगे इसका यूनिट, क्या देखेंगे भाई, इम्पोर्टेंट चीज़ देखेंगे इसका, यूनिट ऑफ लैम्डा एम। ठीक, चलिए, तो लैम्डा एम क्या होगा यूनिट, कप्पा का यूनिट अभी हमने क्या निकाला है, एस पर सेंटीमीटर निकाला है। कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी में है, तो मोलैरिटी का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा भाई, मोल पर लीटर। ठीक, चलिए इसको थोड़ा हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक, चलिए, तो ये हो गया एस पर सेंटीमीटर, मोल ऊपर जाएगा हो जाएगा पर मोल, पर लीटर जाएगा तो हो जाएगा लीटर। ठीक, अब लीटर जो कि वॉल्यूम का यूनिट है, सेंटीमीटर जो कि लेंथ का यूनिट है, अब
एक ऐसा रिलेशन जहाँ पे लेंथ और लेंथ का यूनिट, वॉल्यूम का यूनिट लीटर और लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर, ये दोनों अगर कहीं पे इंटर रिलेटेड है, दोनों के बीच कहीं कोई रिलेशन अगर है, तो दोनों को जो है सो एक फॉर्मेट में ले आएंगे, या तो सेंटीमीटर को लीटर में ले आएँ या तो लीटर को सेंटीमीटर में ले आएँ। तो लीटर को सेंटीमीटर में लाना आसान है। तो कैसे लाएंगे, यहाँ देखिए, ये देखिए, देखिए चलिए, अब देखिए पानी का टंकी देखा होगा आपने, 1000 लीटर का पानी का टंकी। तो 1000 लीटर का पानी का टंकी, ठीक, उसका वॉल्यूम कितना होता है भाई, उसका वॉल्यूम होता है 1 मीटर क्यूब, उसका वॉल्यूम होता है 1 मीटर क्यूब, ठीक। 1000 × 10³ लीटर, ये हो गया 1 मीटर क्यूब, ठीक। अभी लीटर मीटर में है, हमको मीटर को सेंटीमीटर में लाना है, ठीक। तो 10³ लीटर इक्वल टू, ऐसा करते हैं तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, है ना। अच्छा फिर आगे, 10³ लीटर इक्वल टू, ये हो गया 10²³ सेंटीमीटर क्यूब, है ना। 10³ लीटर, 3 × 6, 10²³ सेंटीमीटर क्यूब, 10³, 10³ कट गया, तो 1 लीटर इक्वल टू क्या बचा, 1 लीटर बचा मेरा 10³ सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे 1 लीटर है, तो 1 लीटर, अब हमने क्या किया, लीटर को इस सेंटीमीटर वाले फॉर्मेट में बदल दिया। तो 1 लीटर की जगह हम क्या लिख दें, 10³ सेंटीमीटर क्यूब लिख दें। तो चलिए लिखते हैं, तो S पर सेंटीमीटर इंटू पर मोल इंटू 10³ सेंटीमीटर क्यूब, कैसे होगा, ये 1 सेंटीमीटर माइनस और 1 सेंटीमीटर इसमें से प्लस निकल जाएगा, ठीक। तो यहाँ जो बचेगा यूनिट भाई एस सीमेन, यहाँ बच गया सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो गया पर मोल, ठीक, और ये हो गया आपका 10³, ठीक है ना। तो यूनिट, अगर यूनिट पूछेगा तो यूनिट में तो ये तो नंबर है, तो यूनिट में तो ये तो है ना, तो ये नंबर कहाँ चला जाएगा, ये नंबर आ जाएगा फॉर्मूला में, पुट हो जाएगा फॉर्मूला में, ऐड हो जाएगा ये, ठीक है। कब ऐड होगा, जब लैम्डा एम का वैल्यू किस यूनिट में होगा, एस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में होगा, तो फॉर्मूला में क्या हो जाएगा भाई, फॉर्मूला में 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इफ़ लैम्डा एम इज इन एस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, देन लैम्डा एम विल बी के बाई सी इंटू 1000, ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है, जब लैम्डा एम के यूनिट में सेंटीमीटर स्क्वायर का होगा, ये हो गया। चलिए अब अगर मीटर होगा, सेंटीमीटर की जगह अगर मीटर होगा भाई, यहाँ पे अगर हम मीटर ले, अगर हम यहाँ पे एल, यहाँ पे सेंटीमीटर की जगह क्या ले लें, तो बेटा इधर आ जा, चले जाओ, सेंटीमीटर की जगह हम मीटर अगर रखें तो मीटर रखें तो ठीक है, कोई बात नहीं है, तो ठीक है, अभी इसको मैं मिटा देता हूँ। तो सेंटीमीटर की जगह अगर मीटर दिया हुआ रहे कप्पा का मान, है ना, तो अब हम लीटर को मीटर वाला में जैसे रखते हैं, तो ये हो गया मीटर, तो मेरा है ये, हमको मीटर में ही चाहिए, तो यहाँ से हमको इसका मतलब क्या करना होगा, अब मिटाना होगा, हमको चाहिए 1 लीटर का, हमको चाहिए कितने का, 1 लीटर का मीटर में, 1 लीटर का कितने में चाहिए, मीटर में चाहिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 लीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10⁻ इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -3 मीटर क्यूब। तो 1 लीटर की जगह हम क्या लिख दें, एस पर मीटर
पर मोल 10^-3 मीटर क्यू। तो मीटर माइनस वन, एक मीटर प्लस बन जाएगा, तो यहाँ जो यूनिट बचेगा एस मीटर स्क्वायर पर मोल इंटू 10^-3। ठीक है, तो अगर लैम्डा एम मीटर में अगर होगा तो लैम्डा एम का यूनिट क्या हो जाएगा, एस मीटर स्क्वायर पर मोल। सेंटीमीटर में होगा तो यूनिट क्या हो जाएगा, एस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, है ना। सेंटीमीटर वाले में 1000 से मल्टीप्लाई होगा, तो इस वाले में जब मीटर वाले में होगा तो 1000 से क्या होगा, 1000 से डिवाइड होगा, है ना। तो लैम्डा, इफ़ लैम्डा एम इज इन गिवन इन इतना एस मीटर स्क्वायर, ठीक, हाँ, देन फार्मूला विल बी, तो फार्मूला क्या हो जाएगा भाई, फार्मूला क्या हो जाएगा, सी 1000 नीचे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो ये रहा आपका दोनों यूनिट में। चलिए, ये हो गया मोलर कंडक्टिविटी। चार चीज़ हमने देखा, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो ये रहा, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ऑफ वेरिएशन ऑफ लैम्डा एम, पहले कप्पा लिख देते हैं, वेरिएशन ऑफ कप्पा, कप्पा क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी, इसको लिखिए दीजिए, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी विथ डाइल्यूशन या ऑन डाइल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन, ये टॉपिक अब हमको देखना है। वेरिएशन ऑफ कप्पा कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम ऑन डाइल्यूशन। अब मान लीजिए कोई सेल में इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, कंडक्टेंस, दो कंडक्टेंस, एक कंडक्टिविटी कप्पा, एक मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम, पे क्या असर पड़ेगा जब इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करेंगे, जब इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करेंगे तो कंडक्टेंस पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ हमको देखना है, दोनों चीज़ पे क्या असर पड़ेगा, घटेगा बढ़ेगा, कौन घटेगा कौन बढ़ेगा, वह देखना है। तो कंडक्टिविटी पे बात करते हैं पहले, कंडक्टिविटी क्या होता है भाई, अभी अभी हमने देखा कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टिविटी कप्पा क्या है भाई, 1 cc यानी 1 cm³ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो क्या है, कंडक्टेंस है, वही है कंडक्टिविटी। अच्छा, अब देखिए, अब अगर हम डाइल्यूट करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, है ना। तो और कंडक्ट, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस डिपेंड किस में करता है, नंबर ऑफ आयन पर डिपेंड करता है, ठीक। तो वॉल्यूम तो बढ़ जाएगा, लेकिन पर यूनिट इकाई वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयन की संख्या क्या हो जाएगा, घट जाएगा। डाइल्यूट करेंगे, टोटल आयन तो उतना ही रहना है, क्योंकि आयन नहीं मिला रहे हैं, सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट नहीं मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं। तो डाइल्यूट करेंगे तो वॉल्यूम तो बढ़ जाएगा, लेकिन टोटल नंबर ऑफ आयन्स क्या हो जाएगा, सेम रहेगा, ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ आयन्स सेम रहेगा और वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो इकाई वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम में, प्रत्येक एक वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयन्स का मात्रा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आयन्स की मात्रा घट जाएगी। और इकाई वॉल्यूम में अगर नंबर ऑफ आयन्स घटेगा तो इकाई वॉल्यूम का जो 1 cc का जो कंडक्टेंस होगा यानी कप्पा, वो क्या हो जाएगा, वो भी घटेगा, ठीक है। तो चलिए क्या लिखते हैं भाई, कि सिंस ऑन डाइल्यूशन द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेज
सिंस ऑन डाइल्यूशन द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेज, है ना, पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, यानी कि 1 cc कर दें, हैंस कप्पा डिक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, बस एक लाइन लिखना है, है ना, जो जो अभी हमने देखा। अब आता है मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी क्या है भाई? एक मोल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का कंडक्टेंस इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। अच्छा, अब हम डाइल्यूट कर रहे हैं, ठीक, तो डाइल्यूट कर रहे हैं भाई, डाइल्यूशन से क्या होगा? मान लीजिए KCl सॉल्ट है, K प्लस है, Cl माइनस है, सॉल्यूशन अगर गाढ़ा है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, तो हो सकता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स KCl जो है सो अपने आयंस में नहीं टूटा है, हो सकता है जो है सो अपने आयंस में नहीं टूटा रहेगा। ठीक है, ये भी हो सकता है। अब डाइल्यूशन के बाद क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ गया, तो जो अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल था, जो टूटा हुआ मॉलिक्यूल नहीं था इलेक्ट्रोलाइट का, वो भी अब क्या हो जाएगा? वो भी अब टूट जाएगा और अपने आयंस में टूटेगा। तो डाइल्यूशन से क्या होगा? अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल डिसोसिएट होगा आयंस में। अब आयंस जो है सो अब एक मोल टूट रहा है, तो एक और एक दो मोल दे रहा है, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहा है, नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहा है, और मतलब मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगा। मतलब क्या होगा? मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगा। तो यहाँ पे लैम्डा एम क्या होगा भाई? लैम्डा एम विल इंक्रीज, है ना, सिंस ऑन डाइल्यूशन दी अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल डिसोसिएट्स, है ना, इंक्रीजिंग मोर नंबर ऑफ आयंस, है ना, है ना, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस इंक्रीजेज। ठीक है, तो डाइल्यूशन के बाद क्या होगा भाई? क्या होगा? कप्पा का मान घटता है और लैम्डा एम का मान बढ़ता है। ठीक है, तो चलिए ये टॉपिक क्लियर हुआ। अच्छा, एक ग्राफ प्लॉट करते हैं किसके बीच, तो लैम्डा एम और सी यानी कॉन्सेंट्रेशन के बीच, ठीक, देखिए क्या होता है। अब देखिए कुछ इस तरह का ग्राफ, इसको समझना है जरा। अब देखिए ये लैम्डा एम है मोलर कंडक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन के बीच हम कर रहे हैं, ठीक, इधर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है और इधर से इधर वापस जाएंगे तो क्या हो जाएगा? इधर से इधर कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है? घट रहा है। इधर कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है मतलब डाइल्यूशन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। कॉन्सेंट्रेशन इधर से इधर जाएंगे, कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है। कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है मतलब क्या है? डाइल्यूशन बढ़ रहा है, मतलब हम डाइल्यूट कर रहे हैं।
तो डाइल्यूट कर रहे हैं तो लैम्डा एम का अभी हमने देखा, ऑन डाइल्यूशन लैम्डा एम का वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज़ करता है, इंक्रीज़ कर रहा है, कर गया इंक्रीज, कर गया इंक्रीज। लेकिन दो तरह का इंक्रीज़ हुआ है, एक है एसिटिक एसिड जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है। क्यों वीक इलेक्ट्रोलाइट है भाई? क्योंकि ये अपने आयंस में टूटने में इसको परेशानी होती है, क्योंकि एसिटिक एसिड को अपने आयंस में कम्प्लीटली डिसोसिएट होने में क्या होता है, तकलीफ होती है, इसलिए एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। KCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, अपने आयंस में ये कम्प्लीटली जो है सो टूटता है, इसलिए एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब डाइल्यूट जब हम करते हैं सॉल्यूशन, जब डाइल्यूट होगा इलेक्ट्रोलाइट, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा, मैक्सिमम मॉलिक्यूल अनडिसोसिएटेड है ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन के केस में जब वो कॉन्सेंट्रेटेड है। अब हम डाइल्यूट कर रहे हैं, पानी मिला दिए, पानी मिलाने से क्या हो गया भाई, जो ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स इसका अनडिसोसिएटेड था, अब वो क्या हो गया, अब वो डिसोसिएट हो जाएगा, अब वो क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। तो एब्रप्टली ऑन डाइल्यूशन, एब्रप्टली अचानक जो है सो इसमें इसके लैम्डा एम में जो वृद्धि होगा, जो इंक्रीज होगा, बहुत एब्रप्टली होगा, अचानक बहुत तेज़ी से जो है सो बढ़ेगा, क्योंकि इसका ज़्यादातर मॉलिक्यूल अनडिसोसिएट था, डाइल्यूशन के बाद वो अब डिसोसिएट हो गया, अचानक नंबर ऑफ़ आयंस की संख्या बढ़ गया, तो अचानक से इसका लैम्डा एम बढ़ा है। KCl जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या ऑलरेडी जो है सो इसका लगभग मॉलिक्यूल डिसोसिएट है, लगभग इसका डिसोसिएट है ना, स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वीक वाले से इसका क्या है, पहले से इसका लैम्डा एम ज़्यादा है। अब ऑलरेडी इसका टूटा हुआ है, तो अब इसको ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को जब डाइल्यूट करेंगे तो नया आयंस है वो बहुत ज़्यादा नया आयंस फॉर्मेशन नहीं होगा, है ना, तो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ न्यू आयंस जो है सो नहीं बनेगा, इसलिए थोड़ा बहुत बनेगा, तो इस वजह से इसके लैम्डा एम में जो इंक्रीज़ होगा वो बहुत फास्ट, बहुत तेज़ी से, अचानक जो है सो बहुत हाई नहीं होगा, जो भी थोड़ा बहुत अनडिसोसिएटेड होगा वो टूटेगा और उसकी वजह से थोड़ा सा जो है सो धीरे से इंक्रीज़ करेगा। तो ये हुआ इसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। क्या है क्वेश्चन भाई आज के टॉपिक से रिलेटेड, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 एम सॉल्यूशन ऑफ KCl एट 298 के इज इतना, तो कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी, ठीक। एक सॉल्यूशन है जिसका कॉन्सेंट्रेशन कुछ इतना है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन कुछ इस तरह से है, कॉन्सेंट्रेशन 0.20 एम है, ठीक है ना, और एम मतलब मोलैरिटी, मोल पर लीटर। अच्छा, अब इस सॉल्यूशन का, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी दिया हुआ, यानी कप्पा दिया हुआ है, कंडक्टिविटी कप्पा दिया हुआ है भाई, 0.0248 एस पर सेंटीमीटर। तो कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी, तो मोलर कंडक्टिविटी पूछ रहा है, और मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला अभी अभी हम देखे हैं, कप्पा बाय सी, और ये दोनों का वैल्यू डाल देते हैं, कप्पा का जो वैल्यू है हमारे पास 0.0248 एस पर सेंटीमीटर, नीचे में कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू है 0.20 मोल पर लीटर, ठीक है, ये सेंटीमीटर में, ये लीटर में, इसको भी क्या करेंगे भाई, इसको क्या करेंगे, इसको ये तो जो होगा सो होगा 0.0248 बाई 0.20 एस से पर सेंटीमीटर पर मोल, और ये लीटर हो गया है ना, तो एक लीटर बराबर क्या निकाले थे, 1000 लीटर इक्वल टू 1 m³ × 10³ लीटर इक्वल टू, है ना, 1 m यानी 100 cm 10²³ है ना, तो 1 l इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 10³ L 10⁶ cm³, ये गया, तो 1 l इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10³ cm³, तो इसका जगह क्या कर दें भाई, इसके जगह 0.0248 / 0.20
एस सेंटीमीटर मोल पर मोल, और इसके जगह क्या लिख दें, 10^3 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये और ये गया है ना, तो हमारा फिर से इसको डिवाइड करने की जिम्मेदारी आपकी, 0.20 एस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये रहा। ठीक है, तो ये रहा प्यारे बच्चों आज का टॉपिक और उससे बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन, है ना। चलिए आज इतना ही, फिर मिलते हैं, चैप्टर ये अपने एंड की तरफ है। चलिए ठीक है।